आपने एक कंट्रोवर्सी देखी होगी खान सर से संबंध में, और खान सर का नाम लगभग सभी ने सुना होगा। यूट्यूब पे उनका जो भी वीडियो आता है बहुत तेज़ी से वायरल होता है और बहुत अच्छी जानकारी वो देते हैं। तो कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका नाम अमित करके है, मतलब वही बात है ना जो कई वर्षों से चली आ रही है, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी घटना को वो लोग तुरंत हिंदू मुस्लिम से जोड़कर और जातिवादी रंग उसको देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि उनका ऐसा कोई नाम नहीं है, वो खान सर है, इसका मतलब वो खान सर ही हैं। और दूसरी बात, ये जो लोग हर चीज़ को अपने जाति और धर्म के एंगल से देखने लगते हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ गुरु को किसी धर्म में मत बांधिए। गुरु गुरु होता है, वही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। और हम लोग भारत देश को सर्वोपरि मानते हैं, और जो भी हमारी जानकारी होती है, जो भी प्रथम होता है, वो हम देश को ही सबसे आगे रख के उसका देश का निर्माण करने के लिए ही उसी दिशा में हम लोग प्रयत्न करते हैं। तो मेरा फुल सपोर्ट खान सर को है। दूसरी एक कॉन्ट्रोवर्सी और उनके साथ चल रही है, वो है कि एक वीडियो में उन्होंने बोला था कि जो लोग पढ़ाई नहीं करते, एक इस्लामिक संगठन था उसके लिए बोला था कि वो लोग छोटे बच्चों को ले आते हैं किसी भी प्रोटेस्ट में, और जबकि उन बच्चों को नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। भाई 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसे क्या पता तुम कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन उनके गार्जियंस जो है वो उनको वहाँ पे लेके ले जाते हैं और वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। पहले कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में भी यही चीज़ें हुआ करती थी कि पत्थरबाज छोटे बच्चों को आगे करके पथराव करते थे। तो उनके लिए उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि अगर तुम लोग यही करोगे तो क्या करोगे, जीवन में पंचर साटोगे। तो वही शब्द लेके उन लोगों ने, उनका ये परसेप्शन है कि ये बिजनेस जो है या ये टैग जो है ये हम ही लोगों की कम्युनिटी को है। तो उसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जब भी किसी बच्चे को डांटते हैं तो अगर नहीं पड़ेगा अरे तू गधा है, तू ये है, कंडा पाथेगा, गोबर उठाएगा, यही हम लोग करते हैं ना, पंचर साटेगा, मतलब जो वैसे काम है जो बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो बिना पढ़े लिखे रहोगे तो उसको, उसकी एक झलक, उसको एक एहसास दिलाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कोई जाति धर्म भेदभाव कोई ऐसा शब्द नहीं था। और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये वही लोग हैं जो इनकी उपलब्धि को लेके जो है ईर्ष्या होती है। कई अध्यापक भी ऐसे हैं जो उनको देख के ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई चीज़ अच्छी है तो हमको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और हमें तो विशेषकर हमें बहुत खुशी होती है, हम खुद ही उनके वीडियोस देखते हैं और बहुत लाइक करते हैं। लव यू खान सर, आई सपोर्ट यू, और बस कीप इट अप। और आपसे हम क्या कह सकते हैं, आप बड़े हैं और हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी तरह हजारों करोड़ों शिक्षक और छात्र भी आपको उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं। सो एक बार फिर से आप सबसे कह रहे हैं कि हाथ जोड़ से अनुरोध है कि जो भी एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है ये सब बंद करो, बहुत हो गया, अब हम लोगों को जात धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए कुछ करना है। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।